जहां एक ओर साध्वी पत्नी का परामर्श जीवन की पराजय को विजय में परिवर्तित कर देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी अवहेलना जीवन की सफलता को विफलता की करुण कहानी भी बना सकती है। पतिव्रता दमयंती ने राजा नल को जुए से विरत करने की अनेक चेष्टा की, किंतु नल विरत न हुए। विदुषी दमयंती ने भावी आपत्ति की आशंका को भांप लिया था। उन्होंने सारथी को बुलाकर राजकुमार इंद्रसेन और राजकुमारी इंद्रसेना को उसके हाथों सौंप दिया और रुधे गले से सारथी से प्रार्थना की कि मेरे बच्चों को मेरे पिता के घर कुंडिनपुर पहुंचा दो। सारथी वार्ष्णेय ने सजल नेत्रों से अपनी स्वामिनी को प्रणाम किया और कुमार और कुमारी को लेकर विदर्भ देश की राजधानी की ओर चल पड़ा। बच्चों को उनके ननिहाल में छोड़कर वो जीविका की खोज में अन्यत्र चला गया। राजा नल जुए में अपना सर्वस्व गंवा बैठे। उनके कुटिल भाई ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया और मुनादी पिटवा दी कि जो कोई राजा नल को प्रश्रय देगा या उनकी सहायता करेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। निष्ठुर नियति का चक्र निर्विघ्न चलता रहता है, होनी को भला कौन रोक सकता है। कल के सम्राट नल और साम्राज्ञी दमयंती आज राजपथ पर भटकने वाले निरीह भिखारी थे। पृथ्वीपति महाराज नल को आज कहीं सिर छिपाने को भी स्थान नहीं था। दमयंती के जीवन की दूसरी कठिन परीक्षा की घड़ी तब आई जब महाराज नल ने कोमलांगिनी दमयंती से कहा, प्रिय तुम अपना पिता के घर चले जाओ, मुझे अपने भाग्य पर छोड़ दो, तुम वन का कष्ट नहीं सह सकोगी। इस समय नल और दमयंती के अनशन के 3 दिन बीत चुके थे। वन की भयानक पीड़ाओं से दमयंती परिचित हो चुकी थी। एक ओर था पितृगृह का राज वैभव और दूसरी ओर वन के असह्य कष्ट भीषण यंत्रणाएं। वन की यंत्रणाओं का स्मरण कर एक बार दमयंती का मन सिहर उठा। उसने राजा नल को प्रेरित करने का प्रयास किया, प्राणनाथ आप भी चले चलिए मेरे पिता के घर, वे आपका स्वागत करेंगे, हमारे बच्चे वहां ही हैं, हम वहां सब सुखपूर्वक रह सकेंगे। नल किसी भी तरह राजी न हुए। स्वयं वन में रहकर उन्होंने दमयंती से अपने पिता के घर चले जाने का आग्रह किया। पतिव्रता दमयंती को वन की यंत्रणाएं न डिगा सकी, पितृगृह के राजवैभव उसे आकर्षित न कर सके। उसने नम्रता पूर्वक राजा से विनय किया, महाराज आपकी सेवा और सानिध्य ही मेरा स्वर्ग है। आप वनों में मारे मारे फिरते रहें और मैं पिता के घर राज सुख भोगूं? नहीं नहीं, ये मुझसे कदापि न होगा, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, आप ऐसी बातें मुझसे न कहें। यह कहते कहते दमयंती का गला रुंध गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। नल और अधिक आग्रह न कर सके। हम सभी जानते हैं कि राजा नल किस प्रकार विपत्तियों से घबराकर सोती हुई दमयंती को वन में अकेली छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए। विपत्ति की मारी दमयंती ने नल को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वो नल को उस गहन वन में ढूंढ न सकी। वो उस निर्जन वन में भटक रही थी कि अकस्मात एक विकराल अजगर के मुंह में जा फंसी। उसने प्राण रक्षा के लिए पुनः निर्मोही पति को पुकारा। उसकी करुण पुकार एक व्याध के कानों में पड़ी जो उस वन में आखेट के लिए आया था। वो दौड़ा हुआ उस स्थान की ओर आया जहां से वो कातर स्वर आ रहा था। उसने देखा कि एक विकराल अजगर एक तरुणी सुंदरी को निगलना चाहता है। तुरंत ही अजगर को मारकर व्याध ने दमयंती की प्राण रक्षा की। वह क्रूर व्याध दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने दमयंती के प्राणों की रक्षा तो अवश्य की, किंतु वह उसका सतीत्व नष्ट करना चाहता था। अबला सबला हो उठी, सती का सतीत्व तेज जाग उठा। उसने उस व्याध को शाप देते हुए कहा, रे नराधम, यदि मैंने स्वप्न में भी राजा नल के अतिरिक्त और किसी पुरुष का चिंतन किया हो तो तू तत्काल निष्प्राण हो जा। सती दमयंती के मुख से इन शब्दों के निकलते ही वो क्रूर व्याध निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। दमयंती किसी तरह भटकती हुई व्यापारियों के साथ चेदी देश जा पहुंची।
राजधानी में वो राजपथ पर विक्षिप्त की भांति भटक रही थी। अचानक राजमाता की दृष्टि उस पर पड़ी। एक सुंदरी युवती को इस प्रकार भटकती देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धाय को भेजकर उस विक्षिप्त सी युवती को महल के भीतर बुलवाया और स्नेहपूर्वक उसका परिचय पूछकर उसके दुख का कारण जानना चाहा। दमयंती ने केवल इतना बताया कि किसी दुख के कारण उसके पति उसे वन में अकेले सोती छोड़कर कहीं चले गए। वो उनके वियोग से दुखी है तथा उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटक रही है। राजमाता को इस दुखिया की दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने दमयंती से कहा, बेटी तुम यहाँ मेरे पास रहो, यहीं रहकर अपने पति की खोज करने का प्रयत्न करो। दमयंती ने राजमाता का आग्रह सुनकर कहा, माँ मैं आपकी सेवा में रहने को प्रस्तुत हूँ, किंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप कृपा पूर्वक उन्हें पूरी करने का आश्वासन दें तो मैं सहर्ष आपके पास रहूंगी। राजमाता ने दमयंती को उत्साहित करते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी कहो, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? दमयंती ने निवेदन किया, मैं किसी का जूठन नहीं खाऊंगी, किसी के पांव नहीं धोऊंगी, पर पुरुष से चर्चा नहीं करूंगी तथा जो भी पुरुष मुझ पर कुदृष्टि डालेगा आप उसे कठोर दंड देंगी। दमयंती की इन सदाचारपूर्ण शर्तों से राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने हंसते हुए दमयंती के इन शर्तों को पूर्ण करने का वचन दिया। दमयंती चेदीराज की कन्या की सखी के रूप में वहां रहने लगी। इधर राजा नल दमयंती को छोड़कर भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या पहुंचे। वन में राजा नल को एक सर्प ने डस लिया था जिससे उनका वर्ण श्याम हो गया था। वे कुरूप से हो गए थे। इससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि उन्हें कोई पहचान न सका। राजा ऋतुपर्ण के दरबार में नल बाहुक नामक सारथी के रूप में पहुंचे। राजा ने उन्हें अपने सारथी के पद पर नियुक्त कर लिया। विदर्भराज भीम को भी नल और अपनी पुत्री दमयंती के राज्यच्युत होकर वन की ओर चले जाने का दुखद समाचार मिला। उन्होंने कई विद्वान एवं कुशल ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर नल और दमयंती की खोज में भेजा। उन ब्राह्मणों में से एक चेदी देश भी पहुंचा। घूमता हुआ वो राजमहल में भी आया। वहां अकस्मात उसकी दृष्टि विदर्भ कुमारी दमयंती पर पड़ी। वो ब्राह्मण दमयंती के भाई का मित्र था, अतः उसने तुरंत ही वैदर्भी को पहचान लिया। उसे पहचानकर वो उसके पास गया और उससे कहा, राजकुमारी मैं कुंडिनपुर निवासी ब्राह्मण हूँ तथा तुम्हारे भाई का मित्र हूँ। मैं तुम्हें तथा महाराज नल को ढूंढने के लिए ही निकला हूँ। कुंडिनपुर में तुम्हारे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, परंतु तुम्हारी विपत्ति का समाचार पाकर तुम्हारे माता पिता अत्यंत दुखी हैं। इसी समय चेदी देश की राजमाता उस स्थान पर आ गई जहां दमयंती ब्राह्मण से चर्चा कर रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दमयंती कैसे एक अपरिचित पुरुष से बातें कर रही हैं। ब्राह्मण ने राजमाता के मुख के भावों को पढ़ लिया और उनकी शंका को दूर करते हुए उन्हें अपना और विदर्भ कुमारी दमयंती का परिचय दिया। दमयंती का वास्तविक परिचय पाकर राजमाता ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। दमयंती उनकी बहन की पुत्री थी, वे दमयंती की मौसी थी। दमयंती की सखी भी अपनी मौसरी बहन को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के पश्चात दमयंती मौसी से आज्ञा लेकर अपने पिता के घर आ गई, किंतु उसका दुख दूर न हुआ। अभी तक उसके पति नल का कहीं कोई समाचार न मिल सका था। दमयंती के आने के बाद विदर्भराज ने पुनः कई विद्वानों एवं अनुभवी ब्राह्मणों को बुलाया और नल को खोजने का कार्य उन्हें सौंपा। दमयंती ने खोज के लिए जाते हुए ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण जहां कहीं भी आप मनुष्यों की भीड़ देखें वहां ये वाक्य कहें, हे निष्ठुर प्रियतम, तुम अपनी प्रिय पत्नी को सोती छोड़कर उसका आधा वस्त्र फाड़कर कहां चले गए? तुमने उसे जिस अवस्था में छोड़ा था वो आज भी उसी अवस्था में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इन वाक्यों को सुनकर जो भी पुरुष उसका उत्तर दे उसे आप अच्छी तरह देख ले।
उसके संबंध में सभी बातें ज्ञात कर ले और आकर मुझे सूचित करें। नल की खोज में गए हुए ब्राह्मणों में से एक राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या भी पहुंचा। वहां राज्यसभा में उसने वही वाक्य कहा। सभासदों में से तो किसी ने भी इसका उत्तर न दिया, किंतु राजा के बाहुक नामक सारथी ने इसका उत्तर ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण विदर्भ लौट आया और उसने सारा समाचार दमयंती को सुनाया। उत्तर सुनकर दमयंती ने अनुमान लगाया कि हो न हो बाहुक ही राजा नल होंगे। अपनी माता से परामर्श कर दमयंती ने पुनः एक दूत को अयोध्या भेजा। अयोध्या पहुंचकर दूत ने ऋतुपर्ण को समाचार दिया कि विदर्भ कुमारी के लिए पुनः स्वयंवर रचा गया है। स्वयंवर कल प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात होगा। यदि आप जा सके तो अवश्य पधारे। राजा ऋतुपर्ण दमयंती के स्वयंवर में जाना चाहते थे, किंतु एक ही दिन में अयोध्या से विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर कैसे पहुंचा जाए। राजा ने बाहुक से अपनी इच्छा प्रकट की। उसने ऋतुपर्ण को आश्वस्त किया कि वो उन्हें एक ही दिन में विदर्भ की राजधानी पहुंचा देगा। हुआ भी वही। बाहुक ने इतनी कुशलता से रथ हाँका कि राजा एक ही दिन में अयोध्या से कुंडिनपुर पहुंच गए। दमयंती यह भली भांति जानती थी कि महाराज नल के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति रथ हाँककर अयोध्या से कुंडिनपुर की दूरी एक ही दिन में नहीं तय कर सकता। नल की परीक्षा के लिए ही उन्होंने अपनी माता से परामर्श कर अपने द्वितीय स्वयंवर का समाचार अयोध्या भेजा था। वास्तव में वे दूसरे स्वयंवर नहीं करना चाहती थी। यह राजा नल को ढूंढने का एक उपाय मात्र था। दमयंती ने और भी कई प्रकार से बाहुक रूपी नल की परीक्षा ली, अपने बच्चों को उनके समीप भेजा और अंत में इस निष्कर्ष पर आई कि बाहुक राजा नल ही हैं। शील ही दमयंती का धन था। परीक्षाओं द्वारा तो उसने अवश्य ही यह जान लिया कि नल ही बाहुक के रूप में सारथी का कार्य कर रहे हैं, किंतु रूप के संबंध में अभी भी शंका रह गई थी। इस बार स्वयं दमयंती ने इस बात की परीक्षा करने का निश्चय किया। उसने अपनी माता से यह बात कही और उनके द्वारा पिता से अनुमति प्राप्त कर बाहुक को राजमहल के भीतर बुलवाया। वहां दमयंती पहले से ही उपस्थित थी। दुखिया दमयंती को देखते ही बाहुक की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इधर दमयंती की भी आंखों से अश्रु प्रवाह रुकता न था। बाहुक को लक्ष्य कर दमयंती ने कहा, बाहुक, क्या तुमने पहले किसी ऐसे धर्मज्ञ पुरुष को देखा है जो अपनी सोई पत्नी को वन में अकेली निस्सहाय छोड़कर चला गया हो? न जाने मैंने महाराज नल का क्या अपराध किया था कि उन्होंने मुझ अबला को निर्जन वन में अकेली छोड़ दिया। स्वयंवर के समय स्वेच्छा से देवताओं को छोड़कर मैंने उनका वरण किया था। अग्नि तथा देवताओं को साक्षी रखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। उनका वो सत्य कहाँ चला गया? इतना कहकर दमयंती फूट फूट कर रोने लगी। उसका करुण विलाप और मर्म स्पर्शी शब्द राजा नल न सह सके। उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्हें दमयंती को अपना परिचय देना ही पड़ा। लंबे 4 वर्षों के पश्चात अपने खोए हुए पति को पाकर दमयंती को कितना आनंद हुआ होगा, यह तो दूसरी दमयंती ही बता सकती है। हम तो कल्पना से केवल उसका अनुमान मात्र कर सकते हैं। नल दमयंती का यह आख्यान अत्यंत प्राचीन, किंतु इसके माध्यम से दी गई शिक्षा चिरनवीन है। दाम्पत्य जीवन के सुख की आधारशिला वो निष्ठा है जो दमयंती की नल के प्रति थी, वो विश्वास है जो नल का दमयंती के प्रति था। जय श्री राम कृष्ण।